आज तालिबान की वजह से हारेगा पाकिस्तान। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ है पाकिस्तान, जो भारत और न्यूजीलैंड जैसी दो बड़ी टीमों को धूल चटाने के बाद विजय रथ पर सवार है। दूसरी ओर अफगानिस्तान भी कुछ कम नहीं है। उसने अपने पहले मैच में स्कॉटलैंड जैसी कमजोर टीम को शिकस्त दी, लेकिन उसमें 130 रन का बड़ा जीत का अंतर उसके दम का दीदार कराता दिखा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें 8 साल बाद T20 इंटरनेशनल की पिच पर आमने सामने होंगी। दोनों के बीच ये मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र मुकाबला साल 2013 में खेला गया था, जिसे पाकिस्तान ने एक गेंद शेष रहते 6 विकेट से जीता था। टूर्नामेंट की बात करें तो पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट के बड़े अंतर से हराया था, जबकि इसके बाद न्यूजीलैंड को भी कुचल दिया। T20 वर्ल्ड कप 2021 में अफगानिस्तान अभी तक इकलौती ऐसी टीम है जिसने टारगेट डिफेंड करते हुए जीत दर्ज की है, जबकि बाकी सभी टीमों ने रन चेज करते हुए अपने मैच जीते हैं। UAE में दोनों ही टीमों का रिकॉर्ड शानदार है। पाकिस्तान का दूसरा घर है UAE, फिर भी वहां अफगानिस्तान का रिकॉर्ड उससे ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान ने UAE में 38 T20 इंटरनेशनल में से 24 मैच जीते हैं, जबकि अफगानिस्तान ने 34 मैच में से 27 जीते हैं। वहीं तालिबान के राज के बाद दोनों टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। सभी जानते हैं तालिबान को लाने में पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूमिका थी। ऐसे में आज उसी के खिलाफ क्या पाकिस्तान मैच जीतेगा, ये देखना भी बड़ा ही दिलचस्प होगा।